सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिया कॉइन के बारे में और कार्डानो के बारे में। दोनों का टेक्निकल एनालिसिस हम देखेंगे, कुछ टेक्निकल कंसेप्ट उसके अंदर मिल रहा है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करने वाले हैं लाइटनिंग नेटवर्क का लेकर और बात करेंगे, एक न्यूज आया है कॉमनवेल्थ बैंक की ओर से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। और जो बिल्कुल न्यू है, जिसने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है अटानी की ओर से। अटानी बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो एपीआई की के जरिए। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि आप सारे एक्सचेंजेस, मतलब जितनी भी एक्सचेंजेस मार्केट में अवेलेबल है, टॉप एक्सचेंजेस, उन एक्सचेंजेस को यहाँ पर आप मतलब मान के चलो कि अगर आपका अकाउंट इन कोई एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है तो एपीआई की के जरिए आप इनको कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पर जितने भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स हैं, सारे के सारे आपको इंडिकेटर्स यहाँ पर फ्री यूज करने को मिलते हैं। प्लस इनका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ऐप आपको एंड्रॉयड के लिए भी मिल जाएगा और एप्पल के लिए भी मिल जाएगा। इसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर चेक जरूर कीजिए। वीडियो टॉपिक पर जाने से पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा अल्टकॉइन इंडेक्स पर, उस अल्टकॉइन इंडेक्स पर जाऊंगा जो कि प्योरली एक्सप्लेन करता है सिर्फ और सिर्फ अल्टकॉइन के बारे में। मैं यहां पर बात कर रहा हूं टोटल थ्री के बारे में, जहां पर बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़कर जो इंडेक्स रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपको अदर अल्टकॉइंस के अंदर बहुत हैवी पंप देखने को मिलता है। यहां पर बिटकॉइन इथेरियम इंक्लूड नहीं है, ये बिटकॉइन इथेरियम को छोड़कर जितने भी अल्टकॉइंस हैं उसका इंडेक्स है। और वीकली टाइम फ्रेम की अगर यहाँ पर बात करूँ तो बड़े क्लासिकल तरीके से यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। और अकॉर्डिंग टू दिस कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर चांसेस यही है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ से हाई जा सकता है 100%, मतलब 100% का मार्केट कैप के अंदर पंप देखने को मिल सकता है, जो कि तकरीबन अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है 1.012 ट्रिलियन डॉलर के करीब का है और टारगेट इसका हो सकता है 1.95 ट्रिलियन डॉलर के करीब का। याद रखो ये अदर कॉइन्स का है, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़कर जितने अदर अल्टकॉइंस है ये उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांस बन सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स और मंथ्स के अंदर यहाँ पर हमको एक पैराबोलिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अल्टकॉइंस के अंदर भी। और बिटकॉइन के लिए हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि मार्केट मंथली स्ट्रगल कर रहा है जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई प्राइस है उसका ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन स्टिल अभी कोई हैवी वॉल्यूम वहां पर जंप नहीं हुआ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, दो वीक से मार्केट बिल्कुल, एक वीक तो नेगेटिव वॉल्यूम था, दूसरे वीक में भी बिल्कुल एक अनडिसीजन वॉल्यूम देखने को मिला है। और मार्केट यहाँ पर कोशिश यही कर रही है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के अबव क्लोजिंग करें, ठीक है। एक तो ये एक लेवल है और उसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस क्रिएट हो जो कि 67,000 डॉलर के करीब का है। और उसी स्ट्रगल के अंदर, उसी मार्केट में जो कोशिश हो रही है बिटकॉइन को ब्रेकआउट करने के लिए, उसी के अंदर बिटकॉइन मंथ के अंदर भी कोशिश यही कर रहा है कि उसके अबव जा सके। मतलब याद रखो जब तक मार्केट इस ऑल टाइम हाई के अबव नहीं जाएगा तब तक मार्केट में आपको बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बेसिकली सिया कॉइन पर, एथी कॉइन पर टेक्निकल बेस बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर मंथ के बेस पर बात करूं, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और अकॉर्डिंग टू दिस बुलिश एंगलफिंग मंथ के अंदर यह डिटरमाइन करता है कि भाई यहाँ पे सिया कॉइन के अंदर हमको बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन का भी चांसेस वहां पर बनता है क्योंकि जहां पर एंगलफिंग बनती है तो एटलीस्ट मार्केट वहां पर रिट्रेस करता है 50% करीब। लेकिन अगर मैं उसके अलावा यहां पर बात करूं तो यहां पर एक पैटर्न फॉर्मेशन, इस ये जो पैटर्न है बेसिकली एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न है और इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न के अंदर पहले तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएशन हुआ था। यहां पर आप याद रखो ये जो था ये फॉलिंग वेज है और यहां पर बेसिकली लग रहा है कि यहां से मार्केट एबीसी पैटर्न या एबीसीडी पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर चांसेस बन सकते हैं कि ये पैटर्न एक्यूरेट जाए, मतलब यहां पर अगर आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो एक ट्रेडिंग सेटअप यहां पर देखने को मिल रहा है जहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की मैं अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो तकरीबन आपका 11% का यहाँ पर रिस्क बन रहा है और अगर टेक प्रॉफिट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो तकरीबन 36% का रिवार्ड है। तो एक ये स्विंग पोजीशन आप समझ सकते हैं उसको, स्विंग बेस्ड पोजीशन है कि जहाँ पर 11% का रिस्क है और तकरीबन 36% का
यहाँ पर रिवार्ड है, मतलब जो स्टॉप लॉस आपको अगर देना है तो तकरीबन आपको देना होगा 0.01873 लेवल पर, और टेक प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पर आपको प्राइस डिटरमाइन किया हो 0.02874। ये जो ट्रेड सेटअप है बेसिकली यूएसडीटी पैर में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सी या बीटीसी में भी देखना है तो उसके लिए भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया था, राइट? ये कौन सा पैटर्न है? ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्मेशन है, जो कि प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ है और चांसेस और पुलबैक भी हो चुका है। अब यहां से चांसेस है कि मार्केट एटलीस्ट 49 से लेकर 50 सतोशी तक मार्केट जाए, और स्टॉप लॉस अगर आप देना चाह रहे हो तो तकरीबन 27 सतोशी का यहां पर आपको स्टॉप लॉस पुट करना होगा। नेक्स्ट में यहां पर बात करने वाला हूं बेसिकली कार्डानो को लेकर। कार्डानो की इसलिए बात करूं क्योंकि कार्डानो के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल डाउन डाउन जा रहा था और अचानक यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। असल में इसके ऊपर मेरे को वीडियो कल ही बनाना था बट मिस हो गया ये ट्रेड अपने से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन है और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा बूम किया और मार्केट में आप देखेंगे बहुत हैवी वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और आप देखो तकरीबन 8% का यहाँ पर मार्केट जंप किया। अभी एक्चुअल रिवर्सल है या फिर से मार्केट करेक्शन लेके डाउन जाएगा वो तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बेस में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो रिवर्सल दिख रहा है मे बी यहाँ पर चांसेस यही है कि लाइक बिटकॉइन ने पिछला लेवल को टेस्ट करके रिवर्सल किया, तो यहाँ पर फिर भी एस्टिमेशन किया जा सकता है कि भाई यहाँ से मार्केट हायर जाएगा। एटलीस्ट अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 15 से 16% का स्टॉप लॉस है, बट टेक प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पर 40% का फर्स्ट टेक प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एक ये एरिया आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले वक्त का रेजिस्टेंट था मार्केट ने उसको सपोर्ट काउंट किया है और एक तरीके से फ्लिप करने के बाद मार्केट यहाँ से हायर जा रहे। तो फर्स्ट टारगेट तो आपका तकरीबन आप दे सकते हो 40% के करीब का। सेकेंड टेक प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 3.9 करोड़ के करीब का है और उसके बाद 4.30 करोड़। तो लेवल याद रखो, लेवल को लिख के रख लो ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करने वाला हूं कुछ ट्वीट्स के बारे में। यहां पर एक ट्वीट आया है जहां पर बताया जा रहा है कि द बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क कीप्स ऑन ग्रोइंग। बहुत 2018 की बात है जिस टाइम बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर बियर ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था बिटकॉइन को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था, उसी के टाइम बिटकॉइन को लेकर एक बहुत अच्छा ट्वीट भी हुआ था जहां पर बात हो रही थी लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर काम करने की, और उसी के बाद से लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर काम करना शुरू हुआ था। और अभी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगभग आप देखो 9.2 के न्यू नोड्स हैव बीन एडेड टू द नेटवर्क इन 2021 अलोन। एक साल के अंदर लगभग 2021 के अंदर 9,200 न्यू नोड्स को ऐड किया गया है। ये तकरीबन 111% का ग्रोथ रेट रेशियो है जो कि अभी तक मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर जितने डिटेल में वर्क होगा, जितनी बारीकी से वर्क होगा, उतने ही अच्छे तरीके से फ्यूचर में रिटेल इंडस्ट्री के अंदर मैं समझूंगा। क्योंकि चलो बिटकॉइन आप मिलियन डॉलर ट्रांसफर कर रहे हो, $3, $4, $10 का चार्ज लग रहा है, ये एक बिग इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर रिटेल बिजनेसमैन की बात है, अगर मान के चलो एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कोई शॉप पर जाकर या मैं होटल में जाकर चाय पी रहा हूँ तो एक कट चाय के लिए मेरे को जो पैसा पे करना होगा, तो मैं ऑब्वियसली बात अगर सपोज मेरे को बिटकॉइन में पे करना है तो उसके ऊपर मेरे को ट्रांजेक्शन फीस तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है ना, उसी के लिए लाइटनिंग नेटवर्क यहाँ पर आया है जिसका वर्क ये रहने वाला है कि जितना भी मल्टी ट्रांजेक्शन होगा उस मल्टी ट्रांजेक्शन को एक ट्रांजेक्शन बताकर सिंगल चार्ज करेगा। मतलब मान के चलो कि भाई मेरा किसी किराना वाले के साथ मैं मंथली बाय करता हूँ और मेरा वहाँ पर कोई खाता है, राइट है, तो मैं मंथली उसको ट्रांजेक्शन तो कर दूंगा लेकिन एट द एंड जब मैं उसको और वो सामने वाली पार्टी जब उसको क्लोज करेंगे तो वो एक क्लोजिंग होगा जिसके बेस पर क्या होगा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो मुझे कम से कम लगेगा। तो ये बहुत अच्छा इंप्लीमेंट है लाइटनिंग नेटवर्क का बिटकॉइन को लेकर, एनुअल टाइम के अंदर और भी ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ट्वीट आया है जहां पर न्यूज में कहूंगा इसको, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ बैंक जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है जहां पर अनाउंस किए हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी बैंक बनेगी जो कि कस्टमर को ऑफर दे रही है, लाइक उनको एक सर्विस देने की कोशिश कर रही है जहां पर वो बिटकॉइन बाय सेल कर सकते हैं। याद रखो अभी तक बैंक्स बैन कर रहे थे बिटकॉइन ट्रेडिंग को लेकर, मतलब इंडिया की अगर मैं बात बोलूं तो भाई
इंडिया में आज भी कुछ कुछ लोगों के बैंक अकाउंट सीज हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। वहीं पर अदर कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन बैंक सामने आ रही है और वो बोल रही है कि आप हमारे जरिए बाय सेल करो। और मैंने काफी टाइम पहले एक न्यूज भी पढ़ा था जहां पर कस्टडी की बात हो रही थी, मतलब आप बिटकॉइन होल्ड भी कर सकते हो उनके पास बैंक्स के वैलेट के अंदर। उसका फायदा क्या होगा? लेट्स एग्जांपल, अगर आपका मान के चलो आपका सीक्रेट की खो गया या कोई चीज हो गया तो आपको बैंक वहां से रिकवरी तो दे ही देंगे, साथ में अगर आपका अकाउंट हैक भी होता है तो उसका पूरा पेमेंट बैंक करेंगे। अब यहाँ पर तो कस्टडी का कोई ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बाय सेल की बात की जा रही है। मजेदार बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो टॉप मोस्ट 10 क्रिप्टो है जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश और लाइटकॉइन बेसिकली ऐड है। तो बेसिकली मेजर कॉइन्स के साथ साथ माइनर कॉइन्स भी यहाँ पर मिलेंगे, टॉप 10 है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली टॉप 10 की बात नहीं की गई है। जो भी इनका आर्टिकल रहेगा वहां पर शायद डिटेल में बात होगी। तो मैं ये समझता हूँ अभी तक जो मूवमेंट है 2021 का, मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है एनुअल टाइम के अंदर। मुझे नहीं पता क्योंकि 2017 के अंदर तो ऐसा था कि यार बस हमें भी कभी कभी डर लगता था कि पता नहीं यार ये किसी MLM की तरह कोई कंपनी तो है नहीं, शायद अचानक बंद हो जाएंगे तो फिर से अपना फ्यूचर बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हम तो उसके ऊपर फ्यूचर बना था, हम तो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने फास्ट तरीके से ग्रोथ करेगा नेक्स्ट हालविंग तक। अब मैं सिर्फ वेट इसलिए कर रहा हूँ कि अगले हालविंग तक पता नहीं क्या कुछ हो जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल न्यू हो, तो इतना ही बोलूंगा डेढ़ साल गुजरने दो, डेढ़ साल के बाद जब मार्केट बिटकॉइन का क्रैश होकर एक बियर ट्रेंड के बॉटम पर आ जाएगा उसके बाद से कुछ ना कुछ पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो। एटलीस्ट अगर आप जॉब भी कर रहे हो, मान के चलो अगर आप 15-20 हज़ार की सैलरी बेस्ड पर्सन भी हो, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप आज से जब मार्केट का बियर ट्रेंड खत्म हो जाएगा, जब मार्केट बॉटम बना लेगा, वहां से आने वाले 2 साल तक आप हर मंथ को कुछ ना कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते रहो, सेविंग करो, 3,000-4,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो। अभी नहीं बोल रहा हूँ, कब? जब बिटकॉइन टॉप बना के बॉटम में बना जाएगा, जब बियर ट्रेंड का बॉटम बन जाएगा उस वक्त। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मान के चलो 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो उसका आपको रिटर्न कम से कम मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कम से कम वो 1 लाख का आपका 20 लाख बन सकता है। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में मौका मिल रहा है, ये मैं उस दौर समझता हूँ जो कि राकेश झुंझुनवाला का टाइम था स्टॉक्स के अंदर, तो वैसे मैं क्रिप्टो का टाइम समझ रहा हूँ। कभी भी वक्त गुजरा नहीं है, आप नॉलेज ग्रैब करो, आप इसके बारे में सीखो, समझो और उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करो ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा सके, जैसे कि मैंने उठाया और भी अदर यूट्यूबर इंडिया में जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करूँ आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका, फिर वक्त के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।